है गाइस व्हाट्सअप होप यू आर डूइंग वेल वेलकम टू लीगल सौरभ और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ड्यू एलएलबी एल बी एंट्रेंस की पॉलिटी और साथ ही साथ अदर कंपिटिटिव एग्जाम में भी आपको ये काम आ सकता है सो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जिसमें पहला पॉइंट दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज़ फ्रेम्ड बाई कॉन्स्टिटूंट असेंबली जो कि सेटअप किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत उसके बाद सेकेंड पॉइंट है इसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ऑलमोस्ट थ्री ईयर लिए थे कॉन्स्टिट्यूशन रेडी करने के लिए अगर एकट फिगर की बात करें तो दो साल ग्यारह महीने और अट्ठारह दिन हुए थे ये हिस्टोरिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में तीसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें सी ड्यूरिंग द पीरियड टोटल एलेवें सेशन हुए थे टोटलिंग टोटल कवरिंग 165 डेज जिसमें से 114 दिन जी हाँ 114 डेज वेयर स्पेंड ऑन द कंसिडरेशन एंड डिस्कशन ऑन द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग जो हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का उसका डिस्कशन करने में 114 दिन लगे थे उसके बाद हम लोग दूसरे स्लाइड में आते हैं जो कम्पोजिशन ऑफ असेंबली थी उनके मेंबर वेर चूजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय मेंबर ऑफ प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दे फॉलो स्कीम विच वाज रिकमेंडेड बाय कैबिनेट मिशन तो उनके ये कुछ फॉलोइंग रिकमेंडेशन है वो देख लीजिए जो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन है पहला पॉइंट है टू नाइनटी टू मेम्बर ऑफ द रिप्रेजेंटिड असेंबली जो थे वो आपको लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिम्बली से आए थे नाइन्टी थ्री मेम्बर जो थे वो इंडियन प्रिंसली स्टेट से आए थे और फोर मेम्बर जो थे वो कमिश्नर प्रोविवेंस से आए थे तो इनको अगर आप टोटल करेंगे तो ये टोटल थ्री एटी नाइन होगा लेकिन इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन जो कि माउंट बैटन के प्लान का प्लान था और थर्ड जून के नाइनटीन फोर्टी सेवन को एग्जीक्यूट किया गया था इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेशन हो गया और टोटल टोटल जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की सीट्स थी वो दो सौ निन्यानवे तक ही रह गई अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिटूंट असेंबली थी उसमें कमेटी क्या क्या थी और उनके मेंबर कौन कौन थे तो सबसे पहली जो कमेटी थी कमेटी ऑन द रूल ऑफ प्रोसीजर स्टीयरिंग कमेटी फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग इसके हेड थे राजेंद्र प्रसाद फिफ्थ पॉइंट फिफ्थ जो कमेटी थी स्टेट कमेटी जिसमें यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी इसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू सिक्स कमेटी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरिया के हेड थे वल्लभ भाई पटेल सेवेंथ थी ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके हेड थे बी आर अम्बेडकर उसके बाद हाउस कमेटी थी जिसके हेड थे बी सीधा रमैया नाइन्थ है आपका कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसके हेड थे जीवी मालवंकर टेंथ है आपका माइनॉरिटी सब कमेटी जिसके हेड थे एस सी मुखर्जी एलेवेंथ थी आपकी फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी जिसके हेड थे जे बी कृपलानी उसके बाद आपके नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एंड असाम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी थी जिसके हेड थे गोपीनाथ बरदोई तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त हुआ इस वीडियो में मैंने डी यू एल एल बी के पॉलिटी को कं कंसिडर करा है और साथ ही साथ अदर कंपिटेटिव एग्जाम के पॉलिटी को कंसिडर किया है अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कोई डाउट हो तो कमेंट करें इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें आपका बहुत बहुत धन्यवाद शेयर कर करिएगा तो ज़रूरतमंद लोगों के पास यह वीडियो पहुँचेगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद